जो लिख रहा था उसमें हमने ये देखा था कि हिंदुस्तान मुसलमानों की आमद से पहले हिंदुस्तान के क्या कुछ हालात थे और किस फेजेस से हिंदुस्तान गुजरा। उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद पहले यानी 500 साल में जिस तरह अरब से मुसलमान आए और मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद जहाँ से तुर्क आना शुरू हुए और जिसको गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है, हालांकि उनमें कोई आपस में ताल्लुक नहीं था लेकिन बहरहाल उसको गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। तो उनकी जो हुकूमत कायम हुई गौरी, उसके बाद ऐबक, अल्तमश, बलबन, फिर उसके बाद एक जो सबसे ग्रेट पीरियड आया जिसको कहा जाता है कि खिलजी का जो दौर था, अलाउद्दीन खिलजी का दौर। तो उससे पहले हमने देखा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की जो सबसे अजीम सल्तनत जो रही हिंदुस्तान की तारीख में, मुगलिया सल्तनत। तो किस तरह पिछले हमने देखा कि अकबर और हुमायूं, बाबर हुमायूं ने किस तरह उस सल्तनत का को कायम किया। जितनी तारीख अभी तक हमने कवर की उसमें जो बड़े बड़े रूलर्स आए, तो हमने देखा कि अशोका एक सबसे बड़ा तारीखी फिगर अब तक आया जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अगर मुस्लिम सुल्तानों में देखा जाए तो एक ऐसा सुल्तान था कि जिसकी एक बड़ी मजबूत हुकूमत थी और तारीखी एतबार से भी जिसको काफी माना गया। खिलजी के बाद मुसलमानों में जो सबसे बड़ा रूलर गुजरा वो अकबर है। अकबर ने, असल ये है कि बाबर और हुमायूं ने तो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी लेकिन वो लोग उसकी तौसी और उसका इस्तेकाम यानी उसकी स्टेबिलिटी नहीं दे पाए थे और स्टेबिलिटी देने से पहले वो दुनिया से चले गए। तो असल ये है कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का जो इस्तेकाम था, उसकी जो स्टेबिलिटी थी और उसका एक्सपांशन था, वो अकबर के जमाने में हुआ। तो इस सल्तनत की जो उसकी अजमत थी और उसके जमाने में जो इलाके फतेह हुए, उस एतबार से जो है तो हिस्ट्री में उसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। उसके अलावा काफी दूसरे चीजें भी है जिसकी वजह से उसको ग्रेट कहा जाता है, इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे इस लेक्चर में। 1556 के अंदर यानी 27 जनवरी 1556 को हुमायूं का इंतकाल हुआ। हुमायूं की डेथ जो है वो सडनली हो गई थी, यानी वो अपनी लाइब्रेरी से गिरा और उसका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बीमार रहा, उसके बाद इंतकाल हो गया। लेकिन हुमायूं की जो मौत थी उसको 17 दिन तक इकफा रखा गया, इस बात का इम्कान थे कि बगावत ना हो जाए, तो 17 दिन तक जो है उसकी मौत की खबर को छुपाया गया। उसके बाद यह हुआ कि बहुत ही खास यानी जो सिलेक्टिव ऑफिसर्स थे उनके सामने 14 फरवरी 1956 को अकबर की बैत की गई, यानी जितने उस वक्त के उमरा थे, सरदार थे, उन्होंने अकबर के यहाँ बैत की, यानी मुगलिया सल्तनत में भी बैत का निजाम था। बैराम खान जो हुमायूं का खास था, उसको अकबर का रिजेंट बनाया गया, यानी केयर टेकर ऑफ द सल्तनत, की जो पूरे मामलात की देखरेख करेगा। बैराम खान की मदद से जो है अकबर ने मुगलिया सल्तनत को कंसोलिडेट किया। बैराम खान जो है मुगल एम्पायर का बहुत ज्यादा लॉयल था वो, हालांकि अपनी जाती जिंदगी में वो शिया मजहब को फॉलो करता था, लेकिन ये बात देखने आई कि उसने अपनी मजहबियत जो है, आमतौर से शियाओं का जो मामला रहा है वो हमेशा सल्तनत को अपने एक्सपांशन के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन बैराम खान का मामला वैसा नहीं था। उसने अपने मजहब को पर्सनल रखा और सल्तनत बिल्कुल ही दूसरी बुनियादों पर, जिन उसूलों पर सल्तनत चलना चाहिए उसी उसूलों पर उसने चला रखा है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी थी और वो एक सक्सेसफुल जनरल था, यानी उसकी जो जंगी हिकमत अमली थी वो बेहतरीन हिकमत अमली हुआ करती थी। तो बैराम खान जो है वो केयरटेकर था और अकबर 13 साल की उम्र में, यानी अकबर की उम्र बहुत कम थी उस वक्त, 13 साल की उम्र में हिंदुस्तान का हाकिम वो बन गया था। लेकिन अकबर जब हिंदुस्तान का हाकिम बना तो उसके लिए हिंदुस्तान की हुकूमत जो थी वो कोई फूलों का ताज नहीं थी, ये फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि वो कांटों भरा रास्ता था। यानी उस जमाने की जो सूरत हाल थी हिंदुस्तान की, बड़ी भयानक नक्शा उसके लिए पेश कर रही थी। यानी एक बड़ा कहत जो है उसके जमाने में आया था जिससे कि नॉर्थ में, नॉर्थ की पब्लिक जो है, नॉर्थ इंडिया की हुकूमत है, जूझ रही थी। फिर सियासी तौर पर अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है छोटी छोटी इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो बन गए थे, जो अपने आप को मरकज से जोड़ना नहीं चाहते थे बल्कि मरकज से अलग रखना चाहते थे। यानी अगर हम नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखें तो मिर्जा मोहम्मद हाकिम था जो काबुल पे हुकूमत कर रहा था, इसी तरह कश्मीर जो है वो मोहम्मदन डायनेस्टी के अंदर था, मुल्तान उसने अपने आप को आजाद कर लिया था, उड़ीसा, मालवा, गुजरात, गोंडवाना ये रियासतें सल्तनत मरकज से अलग हो चुकी थी। साउथ में हिंदुओं का एक मजबूत एम्पायर, विजयनगर एम्पायर जो है वो कायम हो चुका था। इसी तरह दक्कन की जो मुस्लिम सल्तनतें थी, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदर, बरार, खानदेश, इनको मरकज की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुर्तगीज ने जो है तो गोवा और दीव के जो अतराफ के इलाके थे वहां अपने असरात कायम कर लिए थे। आगरा से लेकर मालवा तक आदिल शाह की हुकूमत थी, दिल्ली से लेकर रोहतास तक सिकंदर शाह की हुकूमत कायम थी, कुछ पार्ट जो था गुजरात तक का वहां पर इब्राहिम खान की हुकूमत कायम थी। यानी वी डी स्मिथ ने लिखा है, फॉर द क्लेम्स ऑफ लॉर्डशिप ऑफ हिंदुस्तान देयर वॉज नथिंग टू चूज बिटवीन अकबर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेरशाह, दिस कुड बी डिसाइडेड ओनली बाय सोर्ड। यानी एक ऐसी पोजिशन में अकबर आ गया था और उस वक्त शेरशाह के जो अलग अलग जानशीन थे जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे, कि उनके दरमियान फैसलाकुन ताकत जो है, फैसलाकुन चीज जो है, वो सिर्फ तलवार हो सकती थी। तो जाहिर है ये सूरत-ए-हाल थी अकबर के सामने। लेकिन इससे पहले के अकबर इस सिचुएशन से निपटता, शेरशाह के जानशीन से फाइट करता,
उसके सामने बिल्कुल ही एक नया चैलेंज जो है वो सामने आ गया। यानी उस जमाने में एक हम ये कहेंगे एक बहुत बड़ा वॉरियर था हेमू। हेमू जो है पहले आदिल शाह के साथ लड़ता था और आदिल शाह के लिए उसने 22 जंगें जीती, जिसमें उसने मुगलों से भी लड़ा, कई दूसरे बादशाहों से भी लड़ा, और हेमू काफी बड़ा वॉरियर उस जमाने में माना जाता था। तो जैसे ही हुमायूं मरा उसके बाद हेमू ने खुद अपनी फौज बनाई और आगरा और दिल्ली पे हमला कर दिया, और बहुत थोड़े वक्त में उसने आगरा और दिल्ली को फतेह कर लिया। जैसे ही आगरा और दिल्ली को उसने फतेह किया तो उसके बाद उसने अपने लिए विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो है अगर आपको याद होगा तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि 300 एडी के अंदर जो गुप्ता एम्पायर हिंदुस्तान में कायम हुआ था तो उसका थर्ड रूलर था विक्रमादित्य। तो हिंदुओं के अंदर उस रूलर को उस पीरियड को काफी आइडियल माना जाता है, और हिंदू जो अलग अलग रूलर्स गुजरे हैं जमाने में तो वो अपने आप को उस लकब अपने आप को देते रहे हैं वो। तो हेमू ने भी अपने आप को वो लकब दिया। अब अकबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो हेमू के मुकाबले के लिए निकल पड़े, तो अकबर और बैराम खान दोनों ने मिलकर पानीपत की तरफ यानी हेमू की तरफ पेशकदमी की, और पानीपत के मैदान में जो है बहुत जबरदस्त जंग हुई। यानी बहुत ही ये डेस्परेट लड़ाई थी कि इसमें अकबर के पास यानी अगर अकबर ये जंग हार जाता तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता था, और हेमू अगर ये जंग जीत जाता तो वो एक अपनी बड़ी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाता था। तो ये जंग बहुत ही शदीद तरीन जंग थी, लेकिन हेमू की फौज के सामने उसकी जो मिलिट्री स्किल्स थी और उसकी लड़ाई की जो हिकमतें थी उसके सामने अकबर की फौज ज्यादा टिक नहीं पाई, और तकरीबन जो है हेमू जंग जीत गया था। लेकिन शायद किस्मत ने जो है अकबर का साथ दिया, और बिल्कुल ही जंग जब अपने आखिरी मरहले में थी तो ये हुआ कि हेमू के आंख में तीर लग गया और वो गिरकर बेहोश हो गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसकी फौज के अंदर मुकम्मल तौर से अफरा तफरी मच गई, और उसका फायदा मुगल फौज ने उठाया, और बैराम खान ने फिर जो है बहुत जोरदार वापसी की। तकरीबन 5,000 लोग जो है हेमू की तरफ से मारे गए, और हेमू जो जीती हुई जंग थी वो हार गया। उसके बाद जब हेमू जख्मी हालत में अकबर के सामने लाया गया और बैराम खान ने कहा कि तुम इसको कत्ल करके अपनी पहली जंग जो है उसको यादगार बनाओ, है ना, और लोगों पे ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। लेकिन अकबर जाहिर है अकबर के अपने उसूल थे, उसने कहा कि एक ऐसा आदमी जो अधमरा है उसको मारना ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है, और अकबर ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद बैराम खान ने हेमू को कत्ल कर दिया। तो इस तरह जो है अकबर ने अपनी पहली लड़ाई जो थी यानी पानीपत की दूसरी जंग उसमें एक बहुत बड़े वॉरियर को शिकस्त दी। हालांकि उसमें बड़ा क्रेडिट जो है वो बैराम खान को भी जाता है, लेकिन बहरहाल अकबर उस जंग में बनफ्स नफ्स खुद शरीक था। उसके फौरन बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी आप देखिए कि अकबर की जो फतवा था बहुत ही उसमें कंटिन्यूटी है। 1557 के अंदर अकबर ने सिकंदर सूर पर हमला किया जहाँ वो मानकोट में था, 4 महीने की लड़ाई के बाद मुहासरे के बाद जो उसने सरेंडर कर दिया, तो इस तरह मानकोट का किला उसके कब्जे में आ गया। 1558 से लेकर 1560 तक ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर ये सबके सब अकबर ने फतेह कर लिया और उनको मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। लेकिन ये 4 साल के अरसे में काफी एक बड़ा एम्पायर अकबर ने फतेह कर लिया, और अकबर ये चाहता था कि मतलब 1560 तक वो 18 साल का हो गया, और उसकी ख्वाहिश थी कि अब वो हुकूमत इंडिपेंडेंटली चलाए। यानी उसका जो रिजेंट था बैराम खान, अब उसको यानी अकबर को उसकी जरूरत नहीं रही थी। अकबर ये महसूस करता था कि अब हिंदुस्तान की हुकूमत मैं खुद चलाना चाहता। उस जमाने में ये होता था कि जो केयर टेकर रहते थे वो आमतौर से बादशाह जो बनते थे जो बच्चे, तो उनको शेरों शिकार के अंदर, अय्याशियों के अंदर इस तरह उनको इन्वॉल्व रखते थे और खुद हुकूमत अपने पास रखते थे। लेकिन अकबर को जाहिर है स्पोर्ट्स में और ये सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अकबर शुरू से बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, उसके बड़े अजायम थे, और वो पहले से एक बड़ी सल्तनत हिंदुस्तान में कायम करना चाहता था। तो 4 साल के अंदर ही उसको रियलाइज हो गया, यानी 13 साल के बजाय वो 18 साल का था तभी उसको रियलाइज हो गया कि यार बैराम खान जो अपने रास्ते का काटा है उसको हटाना चाहिए। हालांकि बैराम से उसको कोई पर्सनल ग्रज नहीं थी, तो अकबर ने उसके लिए ये किया कि वो खुद जब बैराम खान दिल्ली से बाहर था वो दिल्ली चला गया, और वहां पर उसने अपने जितने हुक्मरान थे, उसके सरदार थे, उसके मानने वाले थे, उनको सबको कहा कि दिल्ली में आके अब सब लोग मेरी बैत करो। बैराम खान जो था वो सिर्फ अकबर का ऐसा नहीं कि केयर टेकर था, वो उसका गार्जियन भी था, उसका चीफ मेंटर था, एडवाइजर था, टीचर था, और अकबर को बहुत ज्यादा उस पर भरोसा था। जब ये सब कुछ होने लगा और अकबर ने बैराम खान को साइडलाइन कर दिया तो बैराम खान को ये लगा कि शायद कुछ लोगों ने अकबर को मेरे खिलाफ गुमराह कर दिया है। यानी वो अकबर के मिजाज को और उसकी सियासत को नहीं समझ पाया, तो उसने काफी अकबर से मिलने की कोशिश की लेकिन अकबर ने उसको अवॉइड किया। तो बैराम खान जाहिर है वो बहुत एग्रेसिव रूलर था, उसने ये किया कि अकबर के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया, और रिबेल करने के बाद दोनों के दरमियान में जो है जंग हुई, लेकिन जंग में बैराम खान हार गया। हारने के बाद उसने अनकंडीशनल जो है अकबर के सामने खुद को सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब अकबर अपनी हैसियत मनवा चुका था तो उसको बैराम खान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, तो उसने बैराम खान के साथ बहुत मोहब्बत का सलूक किया,
जैसे ही बैरम खान उसके दरबार में आया तो अकबर बिल्कुल उसकी इज्जत अफजाई के लिए तख्त से नीचे उतर गया और उसको ले जाकर अपने साथ बिठाया और उसने कहा कि देखो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी फौजी जिंदगी कंटिन्यू रखे तो मैं आपको बड़ी छावनियां देता हूँ, वहां से आप जंग अपनी जारी रख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस दरबार में कोई की रोल प्ले करे तो इस दरबार में मैं आपको जो पोजिशन आप चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप ये दोनों चीजें नहीं चाहते तो मैं आपको तीसरा ऑप्शन देता हूँ कि आप मक्का हज के लिए चले जाए, उसके जो भी अखराजात है और जो भी काफिला है उसके पूरे अखराजात को मैं बर्दाश्त करूंगा। बैरम खान को मतलब अकबर से उम्मीद नहीं थी कि अकबर उसके साथ इतना अच्छा सलूक करेगा, लेकिन अकबर काफी जेनरस पर्सन था और उसके अपने जिंदगी में उसूल थे, तो उसने बैरम खान की जो खिदमत थी उसको फरामोश नहीं किया बल्कि उसका लिहाज किया, उसका कदर किया और काफी इज्जत अफजाई उसने बैरम खान की। तो बैरम खान लेकिन पिछले चार साल से सल्तनत का सिया और सफेद का मालिक था, अब उसके लिए किसी छोटी पोजीशन पे आना उसको गवारा नहीं था, तो उसने कहा कि नहीं मैं हज पर जाना गवारा करूंगा और उसके बाद वो हज के लिए रवाना हो। लेकिन हज को जाते वक्त गुजरात में अफगान सरदार मुबारक खान लोनी ने उस पर हमला करके उसको कत्ल कर दिया। असल में एक जंग में बैरम खान ने उसके बाप को मारा था और उस वक्त से उसने ये मतलब उसका आजम था कि मैं बैरम खान को कत्ल करूंगा, और जब उसको मौका मिला तो उसने उसको कत्ल कर दिया। जब ये खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, काफी वो यानी उसको सदमा हुआ रियल में। और उसके बाद उसने ये किया कि बैरम खान की जो बेवा थी उससे उसने खुद शादी कर लिया। बैरम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम, हालांकि उसकी कजिन भी थी, उसका जो बेटा था अब्दुल रहीम अकबर ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसकी परवरिश की, उसको एक बड़ा सिपहसालार बनाया और बाद में अकबर के नवरत्न में शामिल रहा। तो इस तरह बैरम खान के साथ अकबर का ताल्लुकात रहे। अगले साल अकबर ने मालवा फतेह किया, उसके बाद 1561 में हम देखते हैं कि बिहार कॉन्कर्ड हो गया। 1562 में जब पहली मर्तबा अकबर अजमेर की दरगाह पर गया हाजिरी देने के लिए, तो वहां पर राजा भरमल आमेर का यानी राजपूत जयपुर का राजा जो था वो उससे मिलने आया और उसने कुछ मिलिट्री फेवर जो है उससे जो मसाइल में घिरा होता उसने वो अकबर से मांगे, तो अकबर ने उसको वो फेवर्स जो है दिए। राजा ने वॉलंटरी ये ऑफर किया कि तुम मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उससे शादी कर लो, यानी जोधाबाई से। तो अकबर को ये मतलब पहली मर्तबा, इससे पहले भी ऐसा था कि मुसलमान जो हिंदू रानियों से उन्होंने शादियां की थी लेकिन वो फोर्सली मोस्टली फोर्सली मैरिजेस थी, ये पहली मर्तबा ये वॉलंटरी ऑफर था जो किसी मुस्लिम रूलर को मैरिज के लिए आया था। तो काफी गौर फिक्र करने के बाद अकबर ने जो है इस शादी के लिए हाँ कर दी। इसका अलग अलग लोगों ने एनालिसिस किया है, यानी इस रिलेशन से यानी मुगल राजपूत रिलेशन से अकबर ने कहा जाता है कि मुगल एम्पायर के लिए अगली चार जनरेशन के लिए उसने मुगल एम्पायर को सेव कर दिया था। यानी अगर हम देखें कि दिल्ली सल्तनत के जमाने में भी और मुगलों के भी इब्तदाई जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज जो मुस्लिम रूलर्स के लिए था वो राजपूत थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो भी मुस्लिम इलाका था, जो मुस्लिम फुतुहात थी जो राजपूत इलाके में हुई थी, तो वहां पर मुसलमान महफूज नहीं थे, यानी वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जा नहीं सकते थे, उन पर गुरिला हमले होते थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहा जाता है कि अकबर ने ही शादी की। अकबर की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस था वो बहुत ज्यादा था, यानी उसका हमेशा ये मकसद था कि मैं हिंदुस्तान में एक बहुत वसी सल्तनत कायम करूं। अब ये कि मुगलों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है राजपूतों का था, तो ये कि जो सबसे बड़ा बैरियर है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर वो आपके सपोर्टर्स बन जाए तो उसके बाद अकबर के लिए काफी ईजी था कि वो हिंदुस्तान को फतेह कर ले। तो इस तरह अकबर ने बिल्कुल एक नए चैप्टर की शुरुआत की। 1563 के अंदर उसने ये किया कि उससे पहले हिंदुओं के जो मजहबी यात्राएं हुआ करती थी, मजहबी जो असफार हुआ करते थे उस पर टैक्सेस थे, तो अकबर ने वो टैक्सेस खत्म कर दिया। 1564 में उसने जिजिया खत्म कर दिया, बाद लोग कहते हैं कि इसी के बाद उसको अकबर का लकब दिया गया। तो 1564 के अंदर उसने जिजिया जो है हिंदुओं पे खत्म कर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1569 के अंदर उसका बेटा सलीम, उसकी पैदाइश हुई, तो अकबर ने उसका नाम जो सूफी शेख थे सलीम चिश्ती उनके नाम पर रखा। उसके बाद अकबर के सामने जो नेक्स्ट चैलेंज था वो चित्तौड़गढ़ था, तो काफी राजपूत जो है अकबर के सपोर्ट में आ गए थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ जो है अभी भी यानी मारवाड़ जो था अभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो हम देखते हैं 1566 तक अकबर का जो टाइम था वो काफी टफ रहा, उसमें इंटरनल बगावती हुई, रिबेलियन हुई, फिर जो महलाती साजिशें होती है वो हुई। ये कहा जाता है कि अकबर की जो करियर है उसका सबसे टफेस्ट टू ईयर जो है वो 65-66, लेकिन अकबर ने बहुत ही एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो सारे मसाइल से वो बाहर निकला, सारे प्रॉब्लम से वो बाहर निकला और उसने जो है अपनी हुकूमत स्टेबल कर दी। यानी जितनी बगावतें उसके वहां हुई थी वो सारी की सारी बगावतें उसने खत्म कर दी। 1967 तक कम से कम ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ इंडिया तक जो है उसकी एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो कायम हो चुकी थी। उसके बाद उसका अगला जो टारगेट था वो मेवाड़ था, और मेवाड़ ने अभी तक मुगलिया सल्तनत के आगे अपना सर खम नहीं किया था। तो अकबर ने किया कि 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। राजपूत सरदारों ने बहुत जबरदस्त लड़ाई की, उनका किला जो था वो नाकाबिले तस्खीर था,
और वहां जो सिपेसारा था जयमल, उसने बहुत टफ फाइट दी। तो कई महीनों तक ये लोग उसको घेरे हुए रहे किले को, लेकिन कोई फतेह की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन जो है अकबर ने खुद गन शॉट फायर किया, जिससे जो के जयमल जिससे मर गया, और उसके बाद किले फतेह करना काफी आसान हो गया। फिर उसके बाद जिस तरह के राजपूतों की परंपरा रही, तो वहां जो हिंदू खवातीन थी उन्होंने जौहर परफॉर्म किया, मतलब ये कि आग में कूद कर अपनी जान दे दी। लेकिन बहरहाल अकबर ने जो है चित्तौड़गढ़ को फतेह कर लिया। चित्तौड़गढ़ फतेह करने के काफी इम्पैक्ट पड़े, यानी चित्तौड़गढ़ जो है राजपूतों का सबसे मजबूत किला समझा जाता था। उसके बाद अकबर का जो टेरर है, उसका खौफ जो है वो राजपूतों में काफी फैल गया, और उसके बाद कई राजपूतों ने आके अपने आप को सरेंडर कर दिया। यानी 69 में राजा रणथंभौर जो था उसने सरेंडर कर दिया। फिर उसी साल राजा रामचंद्र जो था कालिंजर का, उसने सपोर्ट कर दिया। 1570 के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, ये लोगों ने ना सिर्फ ये खुद को सपोर्ट, खुद की हुकूमत अकबर को सपोर्ट में दी, बल्कि अपनी बेटियों की शादियां भी अकबर से कर दी। और कहा जाता है कि 1570 तक अकबर जो है तो रिचेस्ट मोनार्च ऑन द अर्थ वो बन गया। लेकिन एक ऐसा आदमी था जिसने, जो अकबर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, और जिसने अकबर की जो मुगलिया सल्तनत है उसको तस्लीम नहीं किया, और वो अपनी खुद की एक आजाद सल्तनत रखना चाहता था, और तारीख में उसका नाम महाराणा प्रताप है। 1568 में चित्तौड़गढ़ फतेह हुआ, और अकबर ने उसका काफी एरिया जो है उस पर कैप्चर कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफी बड़ा एरिया उसका मेवाड़ का बाकी था। तो जब उदय सिंह का इंतकाल हुआ, उदय सिंह की मौत हुई, तो उसके बाद उसका बेटा महाराणा प्रताप जो है राजा बना। तो अकबर ने कोशिश की कि पहले डिप्लोमेटिकली ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। तो एक के बाद जो है कई लोग गए जिन्होंने महाराणा प्रताप को कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम सरेंडर कर दो, मुगलिया सल्तनत को जो है एम्पायर को एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अकबर ये चाहता था कि अगर एक बार मेवाड़ का रास्ता क्लियर हो जाए तो दिल्ली से लेके गुजरात तक उसकी कम्युनिकेशन लाइन क्लियर हो जाएंगी। तो अकबर ने देखी कि एक के बाद एक चार सफीर भेजे, यानी पहले जलाल खान कुर्ची को भेजा, उसके बाद मानसिंह को, उसके बाद राजा भगवान दास को, और फाइनली जो है टोडरमल को भेजा। ये चारों ने जाकर जो है राणा प्रताप को समझाने की कोशिश की, लेकिन राणा प्रताप ने किसी से नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, मुझे आजादी दरकार है। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो उसके बाद जाहिर है जंग ही आखिरी ऑप्शन था। तो राणा प्रताप ने यह किया कि जैसे उसको जब ये अंदाजा हो गया कि मुगल उस पर हमला करेंगे, तो उसने मैदान के बजाय पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद किया, जहां से वो गुरिल्ला वॉर जारी रख सकता था। दूसरी तरफ अकबर ने मानसिंह को एक बड़ी फौज देकर भेजा कि तुम जाके राणा प्रताप से जंग करो। मानसिंह की आर्मी 10,000 लोगों की थी, और ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा था कि मुसलमान किसी राजपूत सिपहसालार के अंडर में जंग कर रहे थे। तो कहा जाता है कि 4,000 जो है उसके अपना जो क्लेन था कछवाज उसके लोग थे, 1,000 दूसरे हिंदू थे, और 5,000 जो है मुसलमान थे जो मानसिंह की क्यादत में लड़ने के लिए गए। राणा की जो आर्मी थी वो 3,000 थी, और कहा जाता है कि 400 उसके पास तीरंदाज थे। हालांकि हिस्ट्री की अलग अलग किताबों में बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड नंबर बनाए, लेकिन जो समझ में आता है तकरीबन इतनी आर्मी रही होंगी। कहा जाता है कि राणा प्रताप के यानी 800 घोड़सवार उसके पास थे, जिनका सिपहसालार जो था वो हकीम खान था। ये अफगान सरदार था, यानी शेरशाह सूरी की फौज से इसका ताल्लुक था। तो ये राणा प्रताप की तरफ से था हकीम खान। मुगल आर्मी की जब ये जंग शुरू हुई तो राणा प्रताप की जो फौज थी वो इब्तदा में बहुत ज्यादा हारी पड़ गई मुगल आर्मी के ऊपर, और शुरू में ऐसा लगा कि मुगल आर्मी हार जाएंगी। लेकिन उसके बाद मुगल आर्मी काफी यानी उन्होंने कमबैक किया, और बहुत जबरदस्त वो लड़ाई हुई, और फाइनली ये हुआ कि मुगल जो है वो जीत गए और राणा प्रताप की आर्मी हार गई। लेकिन राणा प्रताप वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब हो गया, और उसका उसने सरेंडर नहीं किया। तो उसके बावजूद जो मुगलों से उसके कंफ्लिक्ट थे वो बाकी रह गए, यानी जो डेडलॉक सिचुएशन थी वो बाकी रही, लेकिन वो इलाका फतेह हुआ। उसके बाद अकबर ने ये किया कि राणा के खिताब काफी उसके यानी अटैक्स जो है वो जारी रहे, और उसने गोगांडा, उदयपुर और दूसरे इलाके जो है वो उसने फतेह कर लिया। फिर उसने काफी पॉलिटिकल प्रेशर भी राणा के खिलाफ बनाया, वहां पे जितने राजपूत चीफ थे तो उनको सबसे उसने आइसोलेट कर दिया कि वो किसी भी तरह की यानी फाइनेंशियल हेल्प या मिलिट्री की हेल्प जो है राणा को नहीं कर पाएगा। यानी इस तरह बहुत कम अरसे में राणा प्रताप अकेला रह गया, और बाकी जो राजपूत थे उसके सपोर्ट में, उन्होंने उसके सपोर्ट करने से अपना हाथ खींच लिया। लेकिन इसमें एक बात जिसकी तारीफ करना पड़ेगी कि राणा प्रताप ने बहुत हिम्मत से लड़ाई की। यानी उसकी जो जंगलों की जिंदगी जो बयान की गई कि उसके पास खाने के लिए नहीं था, वो दरख्तों में पत्ते चबाता था, फ्रूट्स खाता था, और किस तरह उसने जिंदगी गुजारी, लेकिन उसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। जब तकरीबन एरिया फतेह हो गया और अकबर के सामने दूसरे चैलेंजेस आ गए, तो वो छोटा सा इलाका अकबर ने वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन राणा प्रताप जिंदगी भर वैसे ही रहा, और उसने मुगलों के आगे सरेंडर नहीं किया। और जब उसकी नेचुरल डेथ हुई तो उसने अपने बेटे को ये वसीयत करके गया कि तुम मुगलों के कभी सरेंडर नहीं करना, बल्कि तुम हमेशा जंग जारी रखना। ये जो लड़ाई है राणा प्रताप और मुगलों के दरमियान, ये जो सबसे बड़ी लड़ाई जिसको हल्दीघाट की लड़ाई कहा जाता है,
तो हल्दीघाट की लड़ाई का हम देखते हैं कि आजकल उसको काफी हिंदू मुस्लिम लड़ाई के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि उस लड़ाई में ऐसा कोई फैक्टर नहीं था, यानी आरपी त्रिपाठी ने अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में उसका काफी अच्छा तजिया किया है कि राणा प्रताप की बहादुरी, जबरदस्त इस्तकलाल मिजाज, आजादी की तमन्ना और उसके लिए मसायब आलम बर्दाश्त करने की हिम्मत और किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक ना करना, ऐसी खूबियां जिनसे मुतासिर होकर असर हाजिर के लिखने वालों ने इसकी जद्दोजहद को वो माने पहना दिए जो संजीदा तारीखी शवाहिद से पाया सबूत नहीं पहुंचते। यानी जिस तरह जो है उसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वॉर के तौर पर पेश कर दिया गया। जो पर्शियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इब्तदाई जमाने की तारीख लिखी, उन्होंने बिल्कुल ही उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा, और जो हिंदू हिस्टोरियंस है तो उन्होंने उसको हिंदू मुस्लिम वॉर बना के पेश कर दिया। तो आरपी त्रिपाठी कहते हैं, दरअसल सवाल हिंदू मुसलमान का ना था और न जंग हिंदू मजहब और इस्लाम के दरमियान थी, ये तो सल्तनत मुगलिया और मेवाड़ की रियासत के दरमियान कश्मकश का मसला था। अगर मसला उसके बरखिलाफ होता, यानी अगर हिंदू मुस्लिम वॉर होती, तो राणा प्रताप अपने एक दस्ते को हकीम खान सूर की मातहती में ना रखता और ना अकबर अपनी सारी फौज को मानसिंह की क्यादत में रवाना करता। यानी आप देखिए कि राणा प्रताप का जो सबसे बड़ा सिपहसालार था वो मुस्लिम था, उसके बरक्स अकबर का जो सिपहसालार था वो मानसिंह था। तो ये लड़ाई कहीं से भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी, लेकिन बाद में जो है लोगों ने उसको इस रुख में पेश कर दिया। सतीश चंद्रा ने इस पर बहुत अच्छा तबसरा किया है कि द बैटल ऑफ हल्दीघाट वाज एट बेस्ट एन असर्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकल इंडिपेंडेंस इन द रीजन प्रोन टू इंटरसाइन वारफेयर। ऑनर वाज सर्टेनली इन्वॉल्व, बट इट वाज द ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप एंड डिस्ट्रिक्ट, नॉट राजपूत और हिंदू ऑनर। यानी ये कि वहां ये बात सही है कि ऑनर जो है वो दांव पे लगा हुआ था, लेकिन वो ऑनर किसका दांव पर लगा हुआ था? वो राजपूतों और हिंदुओं का ऑनर दांव पे नहीं लगा हुआ था, बल्कि राणा प्रताप का ऑनर दांव पे लगा हुआ था। तो इस लड़ाई को जो है काफी निगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी और राणा ने मुसलमानों को मुगलिया सल्तनत के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तो इसको ऐसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई के तौर पर पेश किया गया, हालांकि तारीख जो है उससे बिल्कुल इनकार करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर का जो राजपूतों के साथ जो पैक्ट हुआ और जिसके नतीजे में वो इस काबिल हुआ कि उसने मुगलिया सल्तनत का एक्सपांशन बहुत वो इजीली कर पाया, तो इस पैक्ट के पीछे क्या वजूहत थी? यानी बाद लोग ये कहते हैं कि अकबर ने जो शादियां की और दूसरी जो चीजें थी उसकी वजह से ये चीजें आसान हो पाई, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि काफी चीजें अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो अकबर यह है कि उसके राजपूतों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थे। यानी वो चार चीजें उनसे एक्सपेक्ट करता था। अव्वल ये कि जितने राजा है तो वो सल्तनत के खजाने में ऐसे खराज जो अपनी रकम जमा कराते रहे। दूसरा ये कि जो भी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है और जो भी झगड़े होते तो उसका डिस्प्यूट, यानी जो इंटरनल जो डिस्प्यूट रहते उसको रिजोल्व दिल्ली की सल्तनत करेंगे। तीसरा ये कि जब भी अकबर को कोई जरूरत रहेगी फौज की तो ये रियासत उसको फौज प्रोवाइड करेंगे। और चौथा ये कि वो अपने आप को मरकज का एक हिस्सा समझेंगी और बिल्कुल ही आजादी आजाद रियासतें नहीं समझेंगी। तो ये ऐसी, और इसके बाद अकबर ने उनके किसी मजहबी मामला में, किसी रियासत के इंटरनल मामला में बहुत ज्यादा उसने इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि उनको आजादी दिया। और दूसरा फायदा उनको ये हुआ कि अकबर के दरबार में जो है उनको बड़े बड़े मनासिब दिए गए और दिल्ली की जो मरकजी सल्तनत थी उनमें की पोस्ट जो है राजपूतों को दिए गए। यानी अकबर ने जो कुछ शरायत उनके सामने पेश किए थे तो ये ऐसी शर्तें थी कि जिससे इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। दूसरा ये था कि राजपूत यानी तकरीबन पिछले 200-300 साल से कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ वॉर में थे और वो पीस चाहते थे, तो वो ये समझ रहे थे कि अगर वो मेवाड़ के अंडर में यानी राणा प्रताप की जो हुकूमत थी उसका साथ देंगे तो उसके बिलमुकाबिल मुगल ज्यादा मजबूत है और ये जंग फिर हमेशा के लिए एक लंबी लड़ाई चलेंगी। तो उन्होंने ये प्रिफर किया कि वो मुगलों का साथ देंगे ताकि वो ज्यादा पीस जो है वो हासिल कर सके। तो ये जो पैक्ट था ये दो तरफा था, यानी ऐसा नहीं था कि अकबर ने बहुत ज्यादा आगे बढ़कर उनको किया या वो अकबर के सामने झुक गए, बल्कि दोनों को इसमें कुछ ना कुछ मिला। लेकिन बाद में अकबर की लव स्टोरीज, उसकी इज्तिहाई जिंदगी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और कहा गया कि इसकी वजह से ये पैक्ट हुआ, तो वैसा एक्चुअल में नहीं था। उसके बाद अकबर ने गुजरात फतेह किया, 1572 में उसने गुजरात पर हमला किया। तो हम देखते हैं कि 1573 के अंदर उसने सूरत पर कब्जा कर लिया, फिर उसी साल सितंबर के अंदर अहमदाबाद उसके कब्जे में आ गया और 73 के आखिर तक पूरा गुजरात जो है वो मुगल एम्पायर के अंदर मर्ज हो गया। यानी वीडी स्मिथ ने लिखा है द कांग्रेस ऑफ गुजरात मार्क्स एन इंपॉर्टेंट इपोक इन अकबर्स हिस्ट्री। तो ये अकबर का एक बड़ा कारनामा समझा गया है कि बहुत ही कम अरसे में उसने पूरा गुजरात फतेह कर लिया। 1575 के अंदर उसने बंगाल फतेह कर लिया और उसको मुगल एम्पायर में शामिल कर लिया। 1592 के अंदर उड़ीसा फतेह करके मुगल एम्पायर में मर्ज कर लिया। 85 के अंदर काबुल, कंधार, इन सबको फतेह करके मुगल एम्पायर में मर्ज कर लिया। और 86 में कश्मीर, बलिस्तान, यानी कश्मीर उसने फतेह किया तो वहां के दूसरे जो हिल स्टेशन थे वहां के राजा उन्होंने खुद ही सबमिट कर दिए। तो अकबर वो पहला बादशाह था जिसने दिल्ली की सल्तनत, मुस्लिम सल्तनत के अंदर कश्मीर को शामिल किया। उससे पहले कश्मीर किसी से भी
फतेह नहीं हो पाया था। उसके बाद जब अकबर पंजाब में पहुंचा तो पंजाब के अतराफ के जो इलाके थे, नगरकोट, जम्मू, माऊ, केवल, ये लोगों ने खुद ही जो है वो मुगल सल्तनत में अपने आप को मर्ज कर दिया। 1595 के अंदर कंधार को फॉर्मली अकबर ने मुगल एम्पायर के अंदर ले लिया। सिंध और बलूचिस्तान जो है 1591 और 1596 के अंदर रिस्पेक्टिवली फतेह हो गए। बाय द ईयर 1595 अकबर जो है तो पूरे यानी हिंदुस्तान की जो वसी सल्तनत थी, यानी उसका एरिया कहा जाता है हिमालय से लेकर नर्मदा और हिंदू कुश पहाड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, तो 95 के अंदर इतनी वसी सल्तनत का वो अनडिस्प्यूटेड रूलर था और ये बहुत ही मजबूत सल्तनत उसकी कायम हो गई थी। इसके बाद उसका अगला टारगेट जो था वो दक्कन था। दक्कन की तरफ उसने रुख किया। दक्कन में उस जमाने में 5 रियासतें थी, यानी अहमदनगर, खानदेश, गोलकुंडा, बीजापुर, ये सारे थे। तो इसमें सिर्फ खानदेश ने अकबर को एक्सेप्ट किया, बाकी जो रियासतें थी उन्होंने अकबर मुगल सल्तनत के आगे झुकने से इनकार नहीं कर दिया। हालांकि अकबर का इरादा यह था कि किसी तरह दक्कन पे कब्जा करके पुर्तगीज जो अपने असरात बढ़ा रहे हैं तो उनके असरात को रोकना चाहता था। तो अकबर ने अपने एम्बेसिडर्स जो है वो भेजना शुरू किए। यानी अकबर की ये बहुत ही पॉलिटिकल हमेशा वो रही कि वो डायरेक्ट जंग नहीं करता था, पहले बहुत कोशिश करता था कि किसी तरह यानी बातचीत के जरिए, एम्बेसी के जरिए, डिस्कशन के जरिए रियासतें जो है वो मर्ज हो जाए। और वो काफी कुछ यानी रियासतों को कंसिडर भी करता था, जो कुछ वो डिमांड्स मांगते थे उसको एक्सेप्ट भी करता था और उसके बाद ही वो उनको मर्ज करता था। लेकिन खानदेश के अलावा सब ने जो है उसका रिजेक्ट कर दिया अकबर का प्रपोजल। तो उसके बाद जाहिर है जब सारे प्रपोजल रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो 1591 के अंदर मुगल आर्मी ने दक्कन पर हमला कर दिया। तो सबसे पहले अहमदनगर पर अटैक किया गया, लेकिन अहमदनगर की उस जमाने की जो खातून रूलर थी चांद बीबी, तो उसने बहुत यानी मुगल एम्पायर को काफी उसने परेशान किया। लेकिन एक तवील अरसे तक ये लोगों ने उसका मुहासरा कर दिया। जब उसके पास खाने की पीने की चीजें खत्म होना शुरू हुई, तकरीबन 8-9 साल तक ये जंग जारी रही। तो उसके बाद उसने फिर सरेंडर कर दिया और इस बात के लिए कि बरार का हिस्सा वो मुगल सल्तनत में देने के लिए तैयार हो गई, यानी जो अब विदर्भ कहलाता है। चांद बीबी का इरादा था कि वो फिर से जंग जारी रखे, लेकिन 1600 के अंदर उसके एक साथी ने उसको कत्ल कर दिया। तो उसके बाद थोड़े ही अरसे में 1601 तक पूरा दक्कन जो है, यानी पूरा तो नहीं लेकिन एक तकरीबन बड़ा हिस्सा जो है दक्कन का मुगले सल्तनत के अंदर आ गया। तो इससे पहले कि अकबर उस लड़ाई को और जारी रख पाता, यानी पूरे दक्कन को अपने कब्जे में ले पाता, एक बड़ा मसला जो है यानी एक पहली बगावत अकबर की सल्तनत में हो गई और 1601 के अंदर जहांगीर यानी सलीम ने जो है वो बगावत कर दी और अलाहाबाद के अंदर। तो अकबर को फिर दक्कन छोड़ के वापस नॉर्थ में जाना पड़ा। उसके बाद अकबर ने अबुल फजल को बुलाया कि तुम आकर मेरी हेल्प करो। अब यहाँ बगावत क्यों हुई उसके अलग अलग वजूहात बयान किए जाते हैं, लेकिन जो फेमस रीजन माना गया वो ये है कि सलीम चाहता था कि अलग, अकबर ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद ये ही रूलर रहेगा, लेकिन वो पहले ही हुकूमत लेना चाहता था। बाद लोग ये कहते हैं कि जो मजहबी इख्तलाफात थे दोनों के दरमियान वो भी उसकी एक सबब बने। बहरहाल वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ कि अबुल फजल को अपने मदद के लिए बुलाया, लेकिन अबुल फजल इससे पहले कि अकबर के पास पहुंच पाता तो ग्वालियर के करीब जहांगीर ने उसको कत्ल करवा दिया। इसके बाद दोनों के यानी ये जो कत्ल था, अबुल फजल अकबर को बहुत खास दोस्त था, उसकी मौत से अकबर की जिंदगी में बहुत सदमा हुआ और वो शौक में चला गया। कहा जाता है कि 3 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और इम्कान ये था कि बाप और बेटे के दरमियान जो है कशीदगी और बढ़ जाती, लेकिन उस जमाने में कुछ ऐसे वाकयात हुए, यानी अकबर का जो दूसरा बेटा था दानियाल उसका भी इंतकाल हो गया, तो अकबर के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। फिर उसकी जो अकबर की माँ थी हमीदा बेगम और उसकी आंटी जो थी गुलबदीन बेगम, ये काफी मैच्योर्ड लेडीज थी, इन्होंने मतलब हुमायूं के साथ काफी उतार चढ़ाव देखा था और इनको सियासत का काफी फहम था, तो उन्होंने अकबर को कूल डाउन किया और दोनों के दरमियान पैचअप करवाया। उसके बाद अकबर बहुत ज्यादा बीमार हो गया और अपने मौत से पहले ही उसने सलीम को अपना यानी उसके सर पे ताज रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। 17 अक्टूबर 1605 में अकबर इस दुनिया से चला गया। ये कहा जाता है कि सलीम ने उसको जहर देके मरवा दिया, यानी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, रियलिटी तो खैर किसी को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि सलीम ने जहर देके अकबर को मरवाया था। तो ये इस तरह इस यानी एक अजीम मुगलिया सल्तनत जो है वो अकबर ने उसका एक्सपांशन किया और सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत जो है उसने कायम की थी, यानी सबसे बड़ा एरिया उसी के जमाने में रहा। लेकिन एक चीज जिसने मुस्लिम दुनिया में कम अज कम ये कहा जाता है कि अकबर के इस पूरे कारनामे को नल एंड वाइट कर दिया, वो था मजहब के बारे में आखिरी जमाने में उसका अप्रोच। यानी अकबर की जो मजहबी बहसें है, यानी अकबर की तारीख जब भी लिखी गई, यानी जितने हिस्टोरियंस उन्होंने लिखा, तो उन्होंने उसके मजहबी जो उसका व्यू पॉइंट था उससे जरूर बहस की है। आमतौर से जो सेकुलर लिबरल जो राइटर्स है वो उसको काफी डिफेंड करते हैं और उसकी जो भी पॉलिसीज है उसको काफी पॉजिटिव इसमें लोगों के सामने रखते हैं,
और बाद लोगों ने लिखा है जो मुस्लिम हिस्टोरियंस है, लेकिन वो अकबर को डिफेंड करना चाहते हैं कि ये अकबर ने इसलिए किया कि वो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को तस्खीर कर सके और अपनी फुतुहात को जारी रख सके। लेकिन वैसा नहीं है, ये जो ख्यालात अकबर के थे ये बिल्कुल आखिरी जमाने के थे, यानी 1580 और उसके बाद ये ख्यालात उसके डेवलप होना शुरू हुए, और उस वक्त तक वो हिंदुस्तान का अनडिस्प्यूटेड रूलर था। राजपूतों से उसके जो पैक्ट थे वो तो उसे बहुत 30 साल पहले हो चुके थे, और ये जो तब्दीलियां आई ये बहुत उसके 20-25 साल बाद ये तब्दीलियां उसके अंदर आना शुरू हुई। तो इसका और जो सुलेमानी की जो उसकी सियासत थी जो उसने किया था उसका बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, मतलब वन ऑफ द पार्ट ये था, वन ऑफ द फैक्टर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन कुल वजह उसकी ये नहीं थी। तो अकबर की जिंदगी को यानी 1975 और 1975 के बाद से तो उसकी मजहबी जिंदगी को दो इसमें तकसीम किया जा सकता है, यानी जब वो शेख मुबारक और उसके बेटे फैजी और अबुल फजल से मिला तो उसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। इसमें अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग बातें कोट की है, काफी हिस्टोरियंस ने, यानी खुद मुस्लिम हिस्टोरियंस ने भी और जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने भी काफी चीजें लिखी है। इसलिए मुझे सबसे बैलेंस इसमें अप्रोच मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमा का लगा है, इसलिए मैंने उनकी जो किताब है उसको ज्यादा यानी तारिक दावत अजीमत उसको एज ए रेफरेंस बुक अपने स्पीच के लिए इस्तेमाल किया है, तो उसमें काफी बैलेंस अप्रोच हमको दिखाई देता है, यानी उनका एक्सट्रीमिज्म नहीं दिखा मुझे। तो उन्होंने कहा कि जब अकबर का फर्स्ट पीरियड जब वो डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है कि अकबर का अपने पहले पीरियड के अंदर बहुत ही रिलीजियस था, बहुत ही मजहबी था और दीन का मानने वाला था, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। यानी अली मियां नदवी ने लिखा है कि जब वो अपने असलाफ की तरह एक सीधा साधा खुश एतिकाद मुसलमान था और दीनी तालीम बल्कि मुतलक तालीम ना होने माहौल के असर अपने आयत के रिवाज के मुताबिक जिसमें मशायख व मजारात के बारे में गुलू हद से बड़ी हुई खुश अकीदगी और बिदात आम थी, बुजुर्गों के मजारात के लिए तूल तवील सफर करता था, बद अकीदगी और खिलाफ जमहूर अकायद के इल्जाम पर सख्त सजा देता, औलिया के मजारात नजर करता, खुद जिक्र में इनेमा के साथ मजबूर रहता, उल्मा और सुलह की सोबत में वक्त गुजारता। यानी ये उसकी इब्तदाई जिंदगी के हालात है। यानी कहा जाता है कि जब सलीम पैदा हुआ तो अकबर ने अजमेर तक का सफर जो है वो पैदल तय किया था। हर जुमेरात की रात से लेकर तो जुमा की शाम तक अकबर जो है एक इल्मी मजलिस बुलाता जिसमें उसके जमाने के उल्मा मशायख आते और वो दीनी मामलात पे गुफ्तगू करते। इब्तिदा में इसमें सिर्फ सुन्नी उल्मा आते थे, बाद में फिर सभी हर फिरके के उल्मा आने लगे और बाद में इतना ओपन हो गया कि तकरीबन हर मजहब का आलिम जो है वहां आने लग गया। उसको अकबर इबादत खाना कहता था, खुद अकबर जो है उसको ज्वाइन करता, वहां अलग अलग हलकों में बैठता और वो काफी चीजें करता था। हर जंग से पहले कहा जाता है कि अकबर किसी न किसी बुजुर्ग के मजार पे हाजिरी देता। उसके बेटा जब पैदा हुआ तो उसने उनका नाम सूफी शेख सलीम चिश्ती थे उनके नाम पर सलीम रखा, और जब शहजादा पढ़ना लिखने पढ़ने काबिल हो गया तो अकबर ने उसे हुक्म दिया कि शेख अब्दुल नबी के घर जाकर उनसे हदीस की तालीम हासिल करे और उनसे मौलाना जामी की चहले हदीस उसने पढ़ी। तो अकबर को शेख अब्दुल नबी से काफी अकीदत थी, वो उनकी यानी कहा जाता है कि उनकी जूतियां भी वो सीधी किया करता था। अकबर ने हफ्ते के 7 दिनों के लिए 7 इमाम मुकर्रर कर रखे थे जो बारी बारी मुकर्रर दिन में नमाज की इमामत करते थे। फिर हर साल एक बड़ी तादाद को सरकारी खर्च से हज के लिए भेजता था और अमीर हाज के हाथों शरीफ मक्का के लिए यानी मक्का के जो लोग थे उनके लिए तोहफे तोहफ काफी रुपया पैसा काफी सामान वो भिजवाया करता था। काफले की रवानगी के दिन हाजियों की तरह आराम बांधकर सर के बाल थोड़े से तरशवा कर तकबीर करते हुए नंगे सर बराना पैर दूर तक उन्हें रुखसत करने जाता था। यानी इससे एक ऐसा मंजर पैदा होता है कि लोग शोर बरपा होता और लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती। यानी जब हिंदुस्तान में शाह अबूतराब हिजाज से कदम रसूल की तशरीफ लेकर आए और वो आगरे करीब पहुंचे तो बादशाह और उमरा उल्मा की एक बड़ी जमीयत के साथ शहर से 4 कोस बाहर यानी पैदल निकलकर अकबर ने उनका इस्तकबाल किया। कहा जाता है कि वो मस्जिद में झाड़ू देता था, खुद अजान कहता, खुद ही इकामत पढ़ता था। यानी इतना वो उल्मा का एहतराम करता था कि एक मरतबा उसने एक मजलिस में लाल रंग का लिबास पहन लिया तो जमाने के जो आलिम दीन थे शेख अब्दुल नबी उन्होंने उसके डंडे से यानी अपनी लकड़ी से जो है उसको टोक दिया है ना, यानी उसकी बॉडी को टच करके उसको कहा कि ये तुम जो है ये ड्रेस उतार कराओ। तो बाद में उसने अपनी माँ जो थी हमीदा बेगम उनसे शिकायत की कि ये क्या मामला है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे तुम इसका बुरा मत मानो, तुम ये देखो कि तारीख में लिखा जाएगा कि मुगल बादशाह जिसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी वो शरीयत का इतना एहतराम करता था कि एक आलिम दीन के टोकने पर उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अकबर ने 17 मरतबा जो है वो अजमेर की दरगाह का ज़ियारत किया। तो यह अकबर की जिंदगी का फर्स्ट फेज था जिसमें वो बहुत ही खुश अकीदा मुसलमान था। लेकिन जो अकबर की जिंदगी का सेकंड फेज था उसको समझने से पहले थोड़ा अकबर के मिजाज को समझना जरूरी होगा। अकबर की जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग थी यानी ऊपर की सारी चीजें जो मैंने बयान की
तो ये जो मजहब की अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बहुत यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं थी, बल्कि बहुत ही आम किस्म का फैन था जो आम लोगों के अंदर रहता है मजहब का, कि जिसमें दरगाहों पे पैदल जाना, जो वहाँ के सज्जादे रहते या उल्मा मशायक उनकी खिदमत करना, यानी इस तरह की चीजें, मस्जिद को झाड़ू लगाना, यानी कोई उसके अंदर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दूसरा ये था कि मुगलों का जो मिजाज है उसमें एक्सट्रीमिज्म था। यानी हुमायूं के बारे में यह आता है कि जब वो जंग के लिए मशक्कतें करता मैदान के अंदर, तो इतनी सख्त मेहनत करता कि लोगों को लगता था कि यार ये फौलाद का बना हुआ है। लेकिन जब वो आराम करता तो इतने दिन आराम करता और इस कदर आराम करता कि लोग कहते हैं शायद इसने जंग का मैदान कभी देखा ही नहीं। जहांगीर का मामला वैसे ही था। तो मुगलों का जो अमूमी मिजाज था उसके अंदर इंतहा पसंदी थी, यानी जब कोई एक काम करते तो उसी काम में पूरी तरीके से लग जाते। अब ये दो सिफात के बाद अकबर की तीसरा उसका मसला ये था कि उसका माइंड बहुत ज्यादा इंक्वायरिंग था, उसको बहुत ही तजस्सुस था, हर चीज को जानने का शौक था, और उसको ये लगता था कि जिस तरह मैं रियासत के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज सॉल्व कर सकता उसी तरह मैं मजहब के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी सॉल्व कर सकता। लेकिन वो अनएजुकेटेड था, यानी पूरे मुगल तारीख के अंदर बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक अकबर एक ऐसा अकेला एक्सेप्शन है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वरना जितने मुगल रूलर गुजरे वो बहुत ही एजुकेटेड थे और वेल रेड थे। यानी बाबर हुमायूं जो थे वो अकबर के मुकाबले बहुत ज्यादा उनका इल्मी और अदबी मकाम बहुत बड़ा था। वो राइटर्स थे, कई जबानें उनको आती थी। यानी बाबर तो इतना बड़ा शायर था कि उस जमाने का यानी दूसरे तीसरे नंबर का शायर वो माना गया। उसकी किताबों में हम देखते हैं बहुत ही अदबी सेंस हमको दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है तो मजहब के खालिस वो मजहबी मसाइल में कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको जो सलाहियतें दी गई थी कि फतुहात करना, तस्खीर करना, उसमें उन्होंने अपनी सलाहियतें लगाई। उसके बिलमुकाबिल अकबर जो है तो रिलीजियस बहसों में पड़ गया, और वो भी कलामी मुबाहस। कलामी मुबाहसों का मसला यह रहता है कि ये ऐसी नाजुक बहसें रहती कि इसमें थोड़ी सी लग्जिश और गलती से आदमी के ईमान और कुफर का मसला जो है वो पैदा हो जाता। तो अब अकबर का ये मिजाज उसके बाद उसको पढ़ना लिखना नहीं आता और वो उन बहसों में उलझ गया जो उसके करने की नहीं थी। फिर उसके जमाने के जो उल्मा जो उसको मैसर आए वो इस दर्जे के नहीं थे कि वो ये सारी चीजों में उसको गाइड कर सकते थे। यानी उसके जमाने के जो उल्मा थे वो आपस में उनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। और मौला अली मियां आज़म ने लिखा है कि वो ऐसे भी नहीं थे कि वो बहुत अरबी से और बाकी चीजों से कोई वाकफियत रखते थे, बहुत कम उनका इल्म था दूसरी जबानों का। यानी जब पहली मजलिस इबादत खाने में अकबर ने बुलाया तो उल्मा के दरमियान इस बात पर बड़ी लड़ाई हो गई कि कौन कहाँ बैठेगा, यानी अकबर खुद परेशान हो गया। तो उल्मा का ये मामला था, और जब वहां बहसें होती तो अकबर ये देखता था कि एक हदीस को, एक आयत को आज एक मतलब के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, कल बात को तोड़ मरोड़ के दूसरे मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे उसके दिल से कुरान और सुन्नत की जो अहमियत है वो कम होती चली गई। यानी खासतौर से दो जो उल्मा उसके जमाने में सबसे बड़े थे, मकतूल मुल्क और जिनको उसने सदर सुदूर का लकब दिया था, मोहम्मद नबी, ये दोनों ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन करके बहुत पैसा उन्होंने दीन के नाम पर कमाया। इनके बारे में कहा जाता है, मखदूमुल मुल्क के बारे में, कि उन्होंने महज इसलिए कि हज करना पड़ेगा, यानी वो खुद हज को जाना नहीं चाहते थे, फर्ज़ हज के इस्कात का फतवा दिया। ज़कात के सिलसिले में हिलाए शरी से काम लेते और उसकी फर्जियत से बच जाते। उन्होंने अहद अकबरी अपने उरूज के जमाने में इतनी दौलत जमा कर ली थी कि सोने से भरे हुए संदूक उनके आबाई कब्रस्तान से बरामद हुए। यानी इतना पैसा जो है उन्होंने बनाया। दूसरे जो थे सदर सुदूर, जब उनके सामने पूरा दारुल कजा अकबर ने दिया तो उन्होंने ये किया कि सारे फैसले वो बिना रिश्वत के नहीं देते थे, और लाखों करोड़ों रुपया यानी उस जमाने के हिसाब से उन्होंने जमा कर लिया। तो ये सारी चीजें जब अकबर ने देखा तो उसके दिल से उल्मा का एहतराम भी कम होने लगा। फिर ये दोनों के दरमियान जंग थी, यानी ये दोनों उल्मा जो है आपस में लड़ते और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते। फिर ये हुआ कि हुमायूं के साथ जो ईरानी स्कॉलर्स आए थे उन्होंने भी काफी चीजें जो है वो पेश की इस तरह की, जो अकबर के यानी ईमान में जिन्होंने शक पैदा कर दिया। तो ये पूरा माहौल था कि ये पूरा एक निगेटिव माहौल बन गया। फिर उसमें मौला अली मियां नदवी ने एक और बात लिखी है कि कालपी का रहने वाला एक हाजिर जवाब इल्मी मजलिस में कमाल रखने वाला और बदला संज और लतीफा को हिंदू बरहमदास नामी दरबार में दाखिल हुआ, और बहुत जल्द बादशाह के मिजाज में दखील और दरबार में कुर्सी नशीन हो गया, और मसाहिब खास का एजाज पाकर राजा बीरबल के नाम से मुशरफ व मुफ्तार हुआ। उसने हवा का रुख देखकर मजहबी मामलात और नाजुक इस्लामी अकायद व मसाइल में बेबाकाना और इस्तेजाई रवैया अख्तियार किया, और चूंकि यही सिक्का राजुल वक्त था इसलिए हर तरफ से धात पाई। बादशाह के मिजाज को दीन के मामले में गैर संजीदा बनाने में उसको भी बड़ा दखल था। यानी ये कि बीरबल ने जो है पूरे दीन का मजाक उसने बना के रख दिया दरबार के अंदर, और जब भी कोई दीन की बात आती उसमें कोई लतीफा पैदा कर देता।
तो उसने भी अकबर को मजहब के मामले में गैर संजीदा बनाया। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद आखिरी जिस चीज ने, यानी जिसको हम ये कहेंगे कि ताबूत में आखिरी कील जो है, तो वो तीन लोगों ने ठोकी, मुल्ला मुबारक, फैजी और अबुल फजल। ये उस जमाने के अली मियां अली रहमान ने लिखा है कि सबसे जहीन और फतीन लोग थे, इनके पास जबान का, दीन का, तमाम चीजों का बेहतरीन इल्म था। लेकिन ये सब लोगों ने मिलकर जो है, ये खासतौर से यानी मुल्ला मुबारक जो है, ये बाप थे और इनके दो बेटे थे, फैजी और अबुल फजल। तो फैजी और अबुल फजल पहले दरबार से वाबिस्ता हुए और बिल्कुल अकबर के खास लोगों में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने मुल्ला मुबारक को भी शामिल कर लिया। तो जो पहले नबी और मखदूम थे, उनके और मुल्ला मुबारक की पुरानी दुश्मनी थी। ये तीनों ने मिलकर जो है अकबर का जहन दीन के मामले में इतना खराब कर दिया, यानी उसको दीन में ऐसे ऐसे रास्ते बताए गए, इस तरह की अहादीस, कुरान मजीद से तोड़ फोड़ कर इस तरह की चीजें बताई कि वो यानी एक ऐसा पक्का सच्चा मुसलमान बिल्कुल ही वो मुलीद बन गया और दीन से उसका एतिकाद जो है वो खत्म हो गया। मुल्ला मुबारक ने उसको मशवरा दिया कि ये उलमा जो है ये तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। यानी उस जमाने में एक वाकया हुआ था कि जो उसकी रानी थी अकबर की, एक राजपूत रानी, तो उसका जो पंडित था, तो उस पंडित ने ये किया कि एक मस्जिद बनाने के लिए एक सामान लाया गया था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो मसाला से उसने मंदिर तामीर कर लिया। जब मुसलमान ने ऑब्जेक्शन लिया तो उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया, तो उस पर यह हुआ कि उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, ब्लास्फेमी का केस, तौहीन रिसालत का। तो मौला मुबारक यानी उस जमाने में जो अब्दुल नबी थे, उन्होंने पूछा कि अकबर से कि क्या किया जाए। तो अकबर ने कहा कि दीनी मामला था, आप इसको डील कर लो। लेकिन अकबर का ये था कि आप जो उसके साथ सिला रहमी से काम लो। लेकिन उन्होंने ये किया कि उसके कत्ल की सजा सुना दी और उसको कत्ल कर दिया। तो उसके बाद जो राजपूत रानियां थी और जो राजपूत थे और दरबार के जो हिंदू थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो उलमा है तुमको बिल्कुल खातिर में नहीं लाते और ये अपनी मनमानी करते फिरते। तो अकबर इससे परेशान हो गया। तो मुल्ला मुबारक ने उसको ये पट्टी पढ़ाई कि देखो ये जो उलमा वगैरह है, आप इनसे ज्यादा आदिल है। आप तो अगर जो बादशाह है, अगर उलमा किसी मामले में फैसला नहीं कर पा रहे, तो बादशाह को ये अख्तियार है कि वो फैसला कर पाएगा, और कुरान और सुन्नत से इस पर कुछ हर्फ नहीं आता। और उसने कुरान और सुन्नत को तोड़ मरोड़ कर इस तरह की दलाइल पेश की और मेजर तैयार कराया और उस पर सारे उलमा की सिग्नेचर ली कि अकबर जो है वो इमाम आदिल है और उसका फैसला जो है वो सभी उलमा के लिए लाजमी रहेगा। तो इस तरह ये तीनों बाप बेटों ने मिलकर जो है, तो एक ऐसी सल्तनत जिसमें एक मुसलमानों की वसी अरीज सल्तनत, यानी उस्मानी सल्तनत के बाद दुनिया में मुसलमानों की सबसे मजबूत सल्तनत जो है मुगलिया सल्तनत थी। तो जिससे कि दीन की बहुत बड़ी खिदमत ली जा सकती थी। यानी ये तीनों लोग अगर अकबर को सही राह दिखाते और उसको सही दीन बताते। और वाकया ये था कि इन पर यह बात बिल्कुल वाजे थी, इन्हें खुद कई यूरोपियन स्कॉलर्स ने लिखा है कि ये बात इन पर खुद वाजे थी कि ये जो इस्लाम की तस्वीर पेश कर रहे हैं गलत है। और खुद इन्होंने भी अपने यानी बाद लेटर्स में लिखा है कि ये सब हम कर रहे हैं, तो इन पर ये वाजे था कि हम ये कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुनिया के जहीन और फतीन लोग थे और इन्होंने सबने मिलकर उसको गुमराह कर दिया। तो उसके बाद जो फिर दीन की सूरत हाल बनी, तो उसको मौलाना मौदूदी ने जो लिखा है वो काफी बेहतरीन अंदाज में मौलाना ने उसको बयान किया है कि अकबर के दरबार में राय आम थी कि मिलत इस्लामी जाहिल बद्दुओं में पैदा हुई और जदीद दौर के लिए मौजू न थी। नबुवत वही हश्र नश्र दोजख जन्नत हर चीज का मजाक उड़ाया जाने लगा। कुरान का कलाम इलाही होना मुश्तबा, वही का नुजूल अकलन मुस्तबद, मरने के बाद सवाब अजाब गैर यकीनी, अलबत्ता तनासुख हर आईना मुमकिन व अकरब अला सवाब। मेराज को ऐलानिया मुश्किल करार दिया जाता, जात नबूवी पर एतराज किए जाते, खुसूसन आपकी अजदवात की तेदाद और आपके गजबात व सरायत पर खुलम खुला हर्फ गिरिया की जाती। यहाँ तक के लफ्ज अहमद और मोहम्मद से भी बेजारी हो गई और जिनके नामों में लफ्ज शामिल था उनके नाम बदले जाने लगे। दुनिया परस्त उलमा ने अपने खतों में नात लिखनी छोड़ दी। बाद जालिम इस हद तक बढ़े कि दज्जाल की निशानियां हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चिस्पा करने लगे। अल्लाह बिल्ला अल्लाह बिल्ला। दीवान खाना शाही में किसी की मजाल ना थी कि नमाज अदा कर सके। अबुल फजल ने नमाज, रोजा, हज और दूसरे शायर दीनी पर सख्त एतराज किए और उनका मजाक उड़ाया। शोरा ने इन शायर की हुजूर लिखी जो आवाम की जबानों तक भी पहुंची। यानी ये सारी चीजें जो है उस दरबार में की गई। ये कहा गया है कि ये दीन जो है 1000 साल तक अब ये जो है आउटडेटेड हो गया और अब इसको मनसूख कर देना चाहिए और इसकी जगह नया दीन लाने की जरूरत है। और ये जो पूरी फिलोसफी थी इसको कॉइन्स के जरिए जो है आवाम में फैलाया गया और एक नया दीन इलाही बनाया गया। एक मिक्सर जिसमें सारे मजाहब को लेकर एक नया मिक्सर बनाया गया जिसको दीन इलाही कहा गया। और दरबार के खुशामद हिंदुओं ने अपने बुजुर्गों की तरफ से पेशनगोई सुनानी शुरू कर दी कि फला जमाने में गौ रक्षक महात्मा बादशाह पैदा होगा। इसी तरह बंदाजर उलमा ने भी अकबर को महदी और साहिब जमा और इमाम मुश्तहिद वगैरह साबित करने की कोशिश की।
एक ताजुल आरिफीन साहब यहाँ तक बढ़े कि अकबर को इंसान कामिल और खलीफतु जमा होने की हैसियत से खुदा का अक्स ठहरा दिया, और आवाम से कहा गया कि नहीं सभी मजाहब में जो है वो सच्चाइयां हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबको मिलाकर जो है एक नया रिलीजन बनाया जाए। उसके बाद जितने थे यानी क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियन, जितने मजाहब थे, सबसे कुछ ना कुछ चीज लेकर जो है मिक्सर बनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इनायत हिंदुओं पर थी क्योंकि ये मुल्क की जो मेजोरिटी का रिलीजन था। तो कहा गया गाय का गोश्त हराम किया गया, हिंदू त्यौहार दिवाली, दशहरा, राखी, पूनम, शिवरात्रि पूरी हिंदुआना रसूम के साथ मनाए जाने लगे। शाही महल में हवन की रस्म अदा की जाने लगी, दिन में चार वक्त आफ्ताब की इबादत की जाती और आफ्ताब के 1000 नामों का जाप किया जाता। आफ्ताब का नाम जब भी जबान पर आता जिल्लत कदरतु के अल्फाज कहे जाने लगे, पेशानी पर कुशका लगाया जाता, दोशो कमर पे जिनू डाला जाता और गाय की तालीम की जाती। माद यानी आखिरत के मुतालिक अकीदा तनासुख यानी एक के बाद दूसरे जन्म को तस्लीम कर लिया गया और बने बनों से उनके दूसरे बहुत से एतकाद सीखे गए। यानी ये इस तरह हिंदुइज्म को जो है बहुत ज्यादा जो है वो मिक्स कर दिया गया इस्लाम के साथ। फिर दूसरा इस्लाम के साथ किया गया, इस्लाम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, शराब जो है उसका इस्तेमाल जायज करार दिया गया। यानी मामला ये हो गया कि नवरोज के मौके पर शराब का इस्तेमाल जरूरी था, हत्ता कि काजी व मुफ्ती तक पी जाते थे। दाढ़ी मुड़वाने का फैशन आम किया गया और उसके जवाब पर दलायल कायम की गए। चचाजाद और मामूजाद बहन से निकाह को ममनू करार दिया गया। लड़के के लिए 16 साल और लड़की के लिए 14 साल उम्र निकाह मुकर्रर की गई। एक बीवी से ज्यादा बीवियां रखने की मुमानियत की गई। रेशम और सोने के इस्तेमाल को हलाल किया गया। शेर और भेड़े को हलाल किया गया। सुअर को इस्लाम की जिद में ना सिर्फ पाक बल्कि एक मुकद्दर जानवर करार दिया गया। हत्ता कि आँख खोलते उसे देखना मुबारक ख्याल किया जाता था। मुर्दों को दफन करने के बजाय जलाना या पानी में बहाना एहसन ठहराया गया, और अगर कोई दफन नहीं करना चाहे तो सिफारिश की गई कि पांव किबले की तरफ रखे जाए। अकबर खुद इस्लाम की जिद में किबले की तरफ पांव करके सोने का इंतजाम करता था। हुकूमत की तालीमी पॉलिसी भी सरासर इस्लाम के मुखालिफ थी। अरबी जबान की तालीम फिकह हदीस के दर्स को नापसंदा समझा जाता और जो लोग इन उलूम को हासिल करते वो हकीर ख्याल किए जाते। उलूम दीनी के बजाय हिकमत व फलसफा, रियाजी व तारीख और इस नौ के उलूम को सरकारी सरपरस्ती हासिल थी। जबान में हिंदियत पैदा करने की तरफ खास मिलान था और अरबी उर्फ को खारिज करने की तजवीजें थी। इन हालात की वजह से दीनी मदरसे वीरान होने लगे और अक्सर अहले इल्म मुल्क छोड़कर निकलने लगे। यानी ये मैंने बयान किया कि किस तरह उस जमाने के हालात जो है वो पेश आ गए थे। तो इस तरह यानी अकबर का आखिरी जो जमाना था तो वो मजहब के ताल्लुक से यानी बहुत ही उसका निगेटिव इम्प्रेशन रहा, और इस चीज ने चूंकि एक मुसलमान के नजदीक जाहिर उसका दीन और उसका मजहब ही सब कुछ होता है, तो इस चीज ने अकबर की जो सियासी फतवात थी और जो कुछ कामयाबी उसने हासिल की थी मुसलमानों के नजदीक वो भी कोई ज्यादा काबिल कदर नहीं रह गई। लेकिन उस जमाने के जो उलमा थे और खुद उसका बेटा जहांगीर जो था, जहांगीर चूंकि बहुत ही शरा का पाबंद था और वो एक पक्का सच्चा मुसलमान था, तो सारी ये चीजें जो थी वो अकबर को देखकर वो कोड़ता रहता था। और फिर जब फैजी मर गया उसके बाद उसने अबुल फजल को मरवा दिया, और इस तरह यानी खुद उसने अपनी तुजुक में भी लिखा है कि किस तरह उलमा ने उसको गुमराह किया। और जाहिर बात है उलमा को तो एक हद तक ही ब्लेम किया जा सकता, लेकिन खुद उसकी अपनी अक्ल और फहम भी थी। तो ये मामला अकबर का दीन के ताल्लुक से रहा आखिरी जमाने में, बिल्कुल यानी 1975 या 1575 या 80 के बाद हम इसको कह सकते हैं। तो आखिरी 20-25 साल में ये उसका मजहब के ताल्लुक से ख्याल बना था। इंशाल्लाह ये जो हालात थे अकबर के जमाने में पैदा हुए, फिर किस तरह उसका मुकाबला किया गया वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। आखिर में कंक्लूजन के तौर पर कि एज ए होल अकबर की पर्सनैलिटी कैसी थी, तो अकबर बहुत ग्रेट वॉरियर था, लेकिन इसके साथ जो है वो बहुत ही रहमदिल था और बहुत अकलमंद आदमी था। उसका करेज जो था वो बहुत रिमार्केबल था, और उसकी जो वार टैक्टिक्स थी वो बहुत यूनिक थी, और जंग में कहा जाता है कि वो बहुत ही फियरलेस था, यानी वो बेखौफ होकर लड़ता था। यानी कई मरतबा ऐसा हुआ कि बिल्कुल बहते हुए दरिया के अंदर जब दरिया अपनी रवानी पर था उसमें वो अपना घोड़ा डाल देता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी अकबर जो है तो उसको हुमायूं से काफी कुछ चीजें मिली थी, यानी हुमायूं और बाबर दोनों सॉफ्ट हार्टेड थे और वही सॉफ्ट हार्टनेस जो है अकबर के अंदर थी। तो अकबर भी बहुत नरम दिल था, वो लोगों को सख्त सजाएं नहीं देता था और उनसे बदले नहीं लेता, बल्कि वो ज्यादा लोगों को माफ करने में विश्वास रखता था। उसके अखलाक कहा जाता है कि बहुत अच्छे थे, बहुत ही लोगों से नरमी के साथ मिलता है। बादशाह आमतौर से रौनक इख्तियार करते, लेकिन अकबर के यहाँ ये बात नहीं थी। तो जितने भी लोग तारीख में उससे जिन्होंने उससे मुलाकातें की तो वो सब लोगों ने उसके जो मैनर्स थे उसको हाईली अप्रिशिएट किया है। हालांकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसका लिटरेचर का और पोएट्री का टेस्ट बहुत अच्छा था। फिलोसफी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये काफी चीजों में उसने हिस्ट्री ली, उसकी उसने दिलचस्पी ली। उसकी लाइब्रेरी बहुत वसी लाइब्रेरी थी। वो खुद बहुत अच्छा इंजीनियर था, यानी उसने जो उस जमाने में तोप जो बनाए और उसमें काफी मॉडिफिकेशंस किए, तो वो खुद कहा जाता है कि अकबर के अपने पर्सनल इन्वेंशंस थे। तो इस तरह कई चीजें जो है उसके जमाने में अच्छी हुई है।
आखिर में यानी हम देखते हैं कि उसके जमाने की जो सल्तनत थी वो सिंध, बलूचिस्तान, काबुल, कश्मीर और हिंदू कश से लेकर तो तकरीबन एक बड़े हिंदुस्तान के एरिया को कवर करती थी। तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इतनी मजबूत हुकूमतें जो है तो ये किसी की भी नहीं रही। यानी ऐसे रिजवी ने द वंडर डेट वॉज इंडिया में लिखा है कि नो अदर इंडियन रूलर इवन अशोका इन एंशियंट इंडिया एंड ब्रिटिश इन मॉडर्न टाइम्स एवर कंट्रोल सच ए फॉर्मिडेबल फ्रंटियर। अकबर acquired these territories by diplomacy, his use of force was minimal. यानी इतनी बड़ी सल्तनत जो है तो इसमें बहुत कम उसने ताकत का इस्तेमाल किया और डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा उसने इस्तेमाल किया है। अकबर लीडरशिप assured to the loyalty of the Mughal throne of the heterogeneous religious, यानी उसने सभी मजाहब के लोगों को साथ में लेकर चलना शुरू किया और तो उसकी पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ी। आखिर में जो लिखा है ऐसे रिजवी ने कि he was the greatest king that India ever produced. कि हिंदुस्तान की तारीख में वो सबसे अजीम बादशाह अब तक का गुजरा है। तो बहरहाल उसके मजहबी बातों से इख्तलाफत के बावजूद ये बहसियत बादशाह अकबर एक कामयाब रूलर था। तो अकबर की जिंदगी में जो कुछ उसने गलतियां मजहब के ताल्लुक से की, बाद के लोगों ने उसको किस तरह काउंटर किया, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम देखेंगे। जज़ाकअल्लाह।